हेलो फ्रेंड्स, मैरिज क्रांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे नेट फैब्रिक का सूट डिजाइन। तो देखिए इसके लिए हमने देखिए नेट फैब्रिक है जो 2 मीटर लिया है और जो इसका अस्तर है वो हम 1.5 मीटर लिया है। तो चलिए इसे हम अस्तर को 4 फोल्ड में कर लेते हैं। तो देखिए हमने 4 फोल्ड में कर लिया है और इसका लंबाई हम रखेंगे, लंबाई अपने अनुसार रखना है। मैं 40 इंच इसका लंबाई रखूंगी। तो देखिए सूट का शोल्डर हम रखेंगे 6.5 इंच और आर्म होल भी हम 6.5 इंच ही रखेंगे और इसे हम लाइन ड्रो कर लेंगे और 1.5 इंच पर आर्म होल का हम गोलाई देंगे। तो देखिए हम 8.5 इंच रखेंगे। चेस्ट इसका चेस्ट है 34 इंच, तो इसका चौथा भाग हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो देखिए इसका लंबाई हम रखेंगे 13.5 इंच। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसके बीचों बीच हम एक मार्क करेंगे, यानी कि 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कमर है 30 इंच, तो इसका चौथा भाग हम 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसे हम गोलाई में लाइन ड्रो कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए पहले हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे कटिंग कर लिया है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, दोनों पार्ट को हमने अलग कर लिया है और इसका नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और इसका ये लंबाई रखेंगे 1.5 इंच और इसे हम गोलाई दे देंगे। और पूरा लंबाई हम 6 इंच रखेंगे और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लिया है, वैसे ही बैक पार्ट को भी कटिंग करेंगे। तो चलिए बैक पार्ट को मेजरमेंट देखते हैं। तो इसका भी हम नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और एक मार्क 2.5 इंच पर ही लगाएंगे। इसका लंबाई भी 2.5 इंच हमने लिया है और पूरा लंबाई हम 9 इंच रखेंगे बैक नेक का और इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए ऐसे ही हम इसका नेक भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट को भी हमने कटिंग कर लिया है। तो चलिए इसे हम नेट फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नेट फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया है एक साथ। तो देखिए इसी तरह हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट को नेट फैब्रिक और कपड़े को कटिंग कर लिया है। तो चलिए पहले हम बाजू को कटिंग करेंगे।
बाजू का लंबाई हम रखेंगे 3 इंच, और एक मार्क हम 1.5 इंच पर लगाएंगे, और 5 इंच है इसका फिटिंग मार्क है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 7 इंच। तो चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो एक मार्क हम बीच में लगा देंगे, और हम फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच कटिंग करेंगे। यहाँ पर कट के कट लगा देंगे ताकि ज्वाइंट करते वक्त हमें पता चल जाए। तो चलिए इस पर हम सिलाई अटैच करेंगे। और इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ऊपर से हम सिलाई एक अटैच करेंगे ताकि इसका जो गला है वो फिनिशिंग से आए। तो चलिए ऐसे ही ऊपर से एक सिलाई अटैच करेंगे। तो ऐसे ही पूरे नेट और अस्तर पर हम सिलाई अटैच कर देंगे ताकि दोनों पार्ट है जो ज्वाइंट हो जाए अच्छे से। तो ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम सिलाई को अटैच कर लेंगे। तो उसी तरह हम बैक पार्ट को भी गले को बनाएंगे। पहले आपको इस पर पिनअप अटैच कर लेना है ताकि जो गला है वो इधर उधर नहीं खिसके। तो चलिए इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और इसे सीधी साइड में कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई अटैच कर देंगे। क्योंकि इस पर हम लेस अटैच करेंगे। तो इस पर भी हम पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे अस्तर और नेट पर ताकि अच्छे से ज्वाइंट हो जाए, इधर उधर नहीं खिसके। तो देखिए हमने दूसरा पार्ट को भी सिलाई अटैच कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड जो हमने कपड़ा गले के लिए कटिंग किया था उसे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा पेपर पर कटिंग कर लेंगे। वैसे ही हम फ्रंट पार्ट को भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर कटिंग किया है।
और जो गले का पेपर है उसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए जो हमने नेट फैब्रिक है, ये नेट फैब्रिक हमें हाफ मीटर है, तो इस पर हम सिलाई अटैच कर देंगे और इसे हम धागे को जो है खींच देंगे और खींच कर हम प्लेट्स बनाएंगे। आप इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल फिनिशिंग सही आएगी, नहीं तो आप छोटे छोटे प्लेट्स भी लगा सकते हो। तो चलिए इस पर हम सिलाई अटैच कर देते हैं। तो उसी तरह हम पूरे गले पर सिलाई अटैच कर देंगे और वैसे ही प्लेट्स लगाकर नीचे के पार्ट को भी सिलाई अटैच कर देंगे। तो चलिए इसे हम जो स्टर नेट है उसे भी कटिंग कर लिया है, वैसे ही हम फ्रंट पार्ट को भी नेक को बना लिया है। तो देखिए इस पर हम पहले पिनअप कर लेंगे, फिर इस पर सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए ऊपर से हम सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए ऐसे ही हमने सिलाई को अटैच कर लिया है, वैसे ही हम बैक पार्ट को भी सिलाई अटैच कर देंगे। इस पर हम एक सिलाई और अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अटैच कर लिया है और इसे हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने फ्रंट शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। चलिए इसमें हम बाजू अटैच कर लेते हैं। तो बाजू को हम पहले वन फोल्ड करके सिलाई अटैच कर लेंगे। तो वैसे ही चलिए हम बाजू अटैच करते हैं। बाजू को हम हमेशा बताती हूँ बी साइड से अटैच करना है, इसे आपका फिनिशिंग है जो बहुत ही अच्छे से आएगी। तो चलिए ऐसे ही हम बाजू को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने बाजू अटैच कर लिया है, वैसे ही हम दूसरा बाजू भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों बाजू अटैच कर लिया और पीछे से जो हमने दोनों फ्रिल को हटा लेंगे और बीच से हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इसे हम पहले बना लेते हैं, इसे कपड़े पर रख के हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने ऐसे अंदर की तरफ से करके सिलाई अटैच कर देंगे। आप यहाँ पर चैन भी लगा सकते हो।
मैं यहाँ पर चैन नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर हुक लगाऊंगी। तो देखिए हमने एक पट्टी लिया है, इसका चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे और लंबाई इसका 37 इंच, और इसे 2 फोल्ड करके इस पर सिलाई अटैच कर देना है। तो चलिए इसे हम फ्रिल बनाएंगे और इस पर हम प्लेट्स लगाएंगे। तो देखिए हमने फ्रिल को बना लिया है। इसे हम गले पर रख कर अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रिल को हम सीधे साइड से अटैच करेंगे। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है और ऊपर से हम एक सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए हमने फ्रिल अटैच कर लिया है, इस पर हम लेस अटैच करेंगे। आप इसे सिंपल भी रख सकते हो। और हम बाजू पे भी लेस अटैच करेंगे। तो देखिए हमने बाजू पर अटैच कर लिया है। तो चलिए हम फिटिंग मार्क देते हैं। तो हम बाजू का 5 इंच पर मार्क करेंगे और बीच से एक मार्क कर लेंगे, और हम 8.5 इंच पर एक मार्क करेंगे क्योंकि 34 इंच मेरा चेस्ट है। और कमर है 30 इंच, तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। वैसे हम दोनों तरफ से मार्क कर लेंगे। ये फिटिंग आपको अपने अनुसार ही लेना है, लेकिन हमेशा बीच में एक मार्क कर ले, उसी अनुसार आपको फिटिंग देना बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे ही हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए ऐसे हम दोनों तरफ से सिलाई अटैच कर लिया। चलिए इसे हम नीचे के जो पार्ट है उसे मोड़ लेंगे। वैसे हम दोनों तरफ से सिलाई अटैच कर लेंगे 1 फोल्ड करके।
फ्रेंड्स, यदि ये मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ। तो ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर लेंगे। तो इस पर देखिए एक सिलाई और अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सूट बनके तैयार हो गया है। प्लीज़ यदि मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।